हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दुर्ग के प्रांगण में शुक्रवार को छात्र संगठन के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जानी पहचाने जाने वाली हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को छात्र संगठन के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए अलंकरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाला के निदेशक संचालनकर्ता मनीष तिवारी, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजमोहन उपाध्याय, डायरेक्टर एकेडमिक श्रीमती दीप्ति तिवारी, संयुक्त सचिव उमाकांत मिश्रा और प्रधानाचार्य श्रीमती मनप्रीत फुलमाली और साथ ही एकेडमिक कोऑर्डिनेटर श्रीमती हरबिंदर संधु सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण और अभिभावक और छात्र छात्राएं शामिल रहे। शाला के इस अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मनीष सिन्हा, सहायक कमांडेंट बीएसएफ शामिल हुए। साथ ही गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात छात्राओं द्वारा गणेश वंदना की नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। डायरेक्टर एकेडमिक दीप्ति तिवारी तथा प्रधानाचार्य श्रीमती मनप्रीत फुलमाली द्वारा शाश्वत भारती को शाला नायक और यशिता शर्मा को शाला नायिका का बैच प्रदान कर 2024-25 के लिए विद्यार्थी परिषद का गठन किया गया। साथ ही इसके अलावा क्रीड़ा कप्तान, सांस्कृतिक सचिव, चारों सदनों के प्रतिनिधियों को भी बैच देकर पदों से अलंकृत किया गया। प्रधानाचार्य मनप्रीत फुलमाली द्वारा नव निर्वाचित सदस्यों को 2024-25 के लिए शपथ भी यहां पर दिलाई गई कि वह अपने निर्धारित कर्तव्यों का सत्य निष्ठा के साथ पालन करें। डायरेक्टर एकेडमिक दीप्ति तिवारी ने छात्रों को दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित भी किया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए आगे बढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजमोहन उपाध्याय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यही छात्र हमारे देश का भविष्य है। ये एक महत्वपूर्ण मौका है जहाँ प्रतिनिधियों को दिए गए दायित्वों और अधिकारों के द्वारा जीवन के कौशल विकसित होते हैं। साथ ही इसके पश्चात अपने अपने सदन के ध्वज के साथ सभी प्रतिनिधियों ने अत्यंत आकर्षक मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथियों को सलामी दी। अलंकरण समारोह में श्री एस राजीव ने छात्रों को मन लगाकर पढ़ने और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रदर्शन किया और इसके साथ ही राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इसी न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।